हेलो एंड वेलकम बैक। अब प्रैक्टिस सेट 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू द जनरल फॉर्म एंड राइट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी। अब यहां पर जो इक्वेशन दिया है वो है एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। अब इसे हमें कंपेयर करना है जनरल फॉर्म के साथ। सो कंपेयरिंग विथ, अब जो जनरल फॉर्म है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो अगर इसके साथ हम कंपेयर करें, सो वी हैव ए इज इक्वल टू ए, यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वन। देन बी इज इक्वल टू बी, यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट है माइनस सेवन। And C, that is a constant term. So C is equal to 5. So these are the values of A, B and C. अब इसी का next question देखते हैं। 2m square is equal to 5m minus 5. तो पहले तो इसे हमें rearrange करना होगा। So we have 2m square. ये 5m हम left में ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा minus 5m. Minus 5 left में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा plus 5. Is equal to 0. And now we compare with the general form. So we say, comparing with the general form, which is am square. Ab yahan variable m hai, to general form mein bhi hum m le sakte hain variable. Am square plus bm plus c equal to 0. We get, अब a की वैल्यू, a यानी m स्क्वायर का कोएफिशिएंट, यहां m स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 2, b दैट इज m का कोएफिशिएंट है माइनस 5, एंड c दैट इज अ कांस्टेंट टर्म, दैट इज c इज इक्वल टू 5। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। y स्क्वायर इज इक्वल टू 7y। तो इसे भी हम रीअरेंज कर देते हैं टू मैच विद द जनरल फॉर्म। तो ये तो आ गया y स्क्वायर माइनस 7y। अब इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो हम लिख सकते हैं प्लस 0 इज इक्वल टू 0। एंड नाउ वी कुड कंपेयर विद द जनरल फॉर्म। सो कंपेयरिंग विद ए y स्क्वायर प्लस बी y प्लस सी इक्वल टू 0, we get a is equal to a, यानी y square का coefficient, तो y square का coefficient यहाँ पर है 1, b that is y का coefficient which is minus 7, and c यानी जो constant term है यहाँ पर, so that is equal to 0. So these are the values of a, b and c. अब question 2 solve करते हैं। question दिया है solve using formula। first sub question है x square plus 6x plus 5 equal to 0। तो formula use करने के लिए पहले इसे हम general form के साथ compare करते हैं। So comparing with the general form, which is ax square plus bx plus c equal to 0, we get a is equal to 1, b यानी x का coefficient that is 6, and c that is a constant term which is 5। तो सबसे पहले हम value obtain करेंगे discriminant की, that is b square minus 4ac, इसकी value हम पहले ढूंढते हैं। तो ये आ जाएगा 6 square minus 4 into a into c, correct? Let's see कितना आता है ये। This would be 36, 4 5s are, so that's 20, ये आता है 16। एंड नाउ वी कुड यूज द फॉर्मूला एंड ऑब्टेन x, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब ये सब इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब b है 6, सो वील हैव माइनस 6 प्लस और माइनस, अब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू है 16 अपॉन 2 टाइम्स a, a इज 1। अब ये सिंप्लीफाई हमें करना होगा, सो वी हैव माइनस 6 प्लस और माइनस, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4,
डिवाइडेड बाय 2. सो देयरफॉर वी हैव टू ऑप्शंस ओवर हियर. एक है x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 4 डिवाइड बाय 2, और यहां पे x लिख देते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 4 डिवाइड बाय 2. सो इफ वी सिंप्लीफाई दिस, x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 4 ये आ जाता है माइनस 2 डिवाइड बाय 2. सो देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 1. अब यहां देखते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 4 दैट्स माइनस 10 डिवाइड बाय 2. सो देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 5. सो दीज आर द रिक्वायर्ड वैल्यूज फॉर x. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0. सो अगेन वी कंपेयर विद द जनरल फॉर्म. सो कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, वी गेट ए की वैल्यू आएगी 1, बी यानी एक्स का कोएफिशिएंट है माइनस 3, एंड सी यानी कांस्टेंट टर्म दैट इज माइनस 2. सो सबसे पहले हम ढूंढेंगे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac. दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर यानी माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए दैट इज 1 इंटू सी दैट इज माइनस 2. माइनस 3 का स्क्वायर ये हो जाता है 9, 4 टू जा 8 और ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव है तो पॉजिटिव, सो ये हो जाएगा प्लस 8. सो टोटल आता है 17. एंड नाउ वी कैन ऑब्टेन x यूजिंग द फॉर्मूला माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a. अब ये सब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहां पर. सो वी हैव माइनस ऑफ बी है माइनस 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज 17 डिवाइडेड बाय 2a दैट इज 2 इंटू 1. लेट अस सिंप्लीफाई दिस, तो आएगा x इक्वल टू ये हो जाएगा 3 प्लस और माइनस रूट 17 डिवाइडेड बाय 2. सो वी हैव टू वैल्यूज ओवर हियर, x इक्वल टू 3 प्लस रूट 17 बाय 2 और x इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 17 बाय 2. सो दीज आर द टू रिक्वायर्ड वैल्यूज फॉर x. अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 7 इक्वल टू 0. सो अगेन वी कंपेयर विद द जनरल फॉर्म, तो यहां हम लिखेंगे कंपेयरिंग विथ, अब वेरिएबल m है तो जनरल फॉर्म में भी हम m यूज करेंगे. सो ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इक्वल टू 0, वी गेट a की वैल्यू है 3, b इज इक्वल टू 2 एंड c है माइनस 7, राइट. सो देयरफॉर सबसे पहले हम ढूंढेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac. सो बी स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज 3 एंड c है माइनस 7, तो ये आ जाता है 4. 4 3 इज 12, 12 इंटू 7 दैट्स 84 और ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव है तो प्लस 84 हो जाएगा, राइट. So 4 3 is a 12, 12 7 is 84 and plus 4 that gives us 88. And now we can obtain the value of m using the formula m is equal to minus b plus minus root of b square minus 4ac divided by 2a. B hai 2, okay. तो ये आ जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस रूट ऑफ 88 डिवाइडेड बाय 2a. सो 2 इंटू a, अब a की वैल्यू यहां पर है 3, ओके. लेट अस सिंप्लीफाई दिस,
ये आएगा माइनस टू प्लस माइनस. अब रूट 88 दिस वुड बी रिटन एज 4 टाइम्स 22, सो दैट इज 2 रूट 22, राइट. तो यहां पे हम लिख सकते हैं 2 रूट 22 और नीचे 2 3 इज 6. अब न्यूमरेटर में हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में यहां आएगा माइनस 1 प्लस और माइनस, ये 2 तो कॉमन ले लिया, तो रूट ऑफ 22 अपॉन 6. नाउ 2 वन जा 2 थ्री जा, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3. तो हमें यहां से m की दो वैल्यूज मिल जाएंगी, सो m इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस रूट 22 अपॉन 3 और m इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस रूट 22 अपॉन 3. सो दीज आर द रिक्वायर्ड वैल्यूज फॉर m.